हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम हर्डमैनिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अब तक यूपीटीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, DSSSB, जीआईसी, एल्टीग्रेड और बायोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने फाइलम कॉर्डेटा के जनरल फीचर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में उसको सॉल्व किया है। अच्छा खासा लंबा सेट है, नियर अबाउट 10 वीडियोस में हमने कवर किया है, जिसमें 170 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। इतना बहुत होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को हमने बहुत डिटेल में सॉल्व किया है, एडिशनल पॉइंट्स देखे हैं, अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है तो कैसा क्वेश्चन बनेगा, इन सारे एस्पेक्ट्स को माइंड में रखते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसलिए मेरी एडवाइस रहती है कि मेरे वीडियोस देखते समय आप उसको नोट डाउन भी करते चले ताकि आपको रिविजन में हेल्प हो। तो इसी सीरीज में अब हम फाइलम कॉर्डेटा के पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चंस उठाएंगे, जैसे कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपका फ्रॉग है, स्कोलियोडॉन है, यूरोमैट्रिक्स है, उसके बाद से आपका हर्डमैनिया है, एम्फियोक्सिस है, तो ये सारे जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं आपके फाइलम कॉर्डेटा के, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिटेल में पूछे जाते हैं। इसलिए हम वन बाय वन इन्हीं ऑर्गेनिज्म्स को कंप्लीट करेंगे। तो इसी सीरीज में आज हमारा टॉपिक है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का मेंबर हर्डमैनिया। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल बायोलॉजी प्रिपरेशंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हमारा पहला क्वेश्चन है अडल्ट यूरोकॉर्डेट्स हैव, तो आपका यूरोकॉर्डेटा जो है वो सेकेंड सब फाइलम है आपके फाइलम कॉर्डेटा का। चार सब फाइलम्स हैं टोटल आपके फाइलम कॉर्डेटा में, हेमीकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और लास्ट है वर्टिब्रेटा, जिसमें से आपका जो सेकेंड सब फाइलम है वो है यूरोकॉर्डेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की आपकी 3 क्लासेस हैं, एसिडेसी, थैलिएसी और लार्वेसी। इसी में आपका जो एसिडेसी है इसी का मेंबर है हर्डमैनिया। तो आपके अडल्ट यूरोकॉर्डेट्स में जो बॉडी होती है वो डीजेनरेट होती है, यानी एक तरह से जो अडल्ट होते हैं वो लार्वा से कम एडवांस्ड होते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके बॉडी का, अनसेगमेंटेड होते हैं और इनमें पेयर्ड अपेंडिजेस एब्सेंट होते हैं विथआउट टेल। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है अडल्ट यूरोकॉर्डेट्स हैव, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीजेनरेट सैक लाइक बॉडी, अनसेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, इनमें टेल भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप अदर ऑप्शंस देखेंगे तो आपका ए है, इसमें दिया पेयर्ड अपेंडिजेस, तो पेयर्ड अपेंडिजेस नहीं होते इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। सी में आपका दिया है विथ अ प्रोमिनेंट टेल, तो इनमें टेल भी प्रेजेंट नहीं होती है। और ऑप्शन डी में है कि इनमें आपका सेगमेंटेड बॉडी होता है, तो सेगमेंटेड बॉडी भी नहीं होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डीजेनरेट सैक लाइक अनसेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हार्ट हैज़ 2 पेसमेकर्स, तो आपकी हर्डमैनिया की जो हार्ट है वो सिलिंड्रिकली हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होती है और थिन वॉल की बनी होती है जो कि स्ट्राइप्ड मसल्स की होती है, और इनके हार्ट में 2 पेसमेकर्स होते हैं। ठीक है, पेसमेकर आपके एक बंडल होता है कार्डियक टिश्यू का जो कि हार्ट में प्रेजेंट होता है, जहाँ से हार्ट बीट इनिशिएट होती है। ठीक है, इसको आपके ऐसे नोड भी कहा जाता है, लेकिन जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उसमें आपके पेसमेकर की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, ऐसे नोड यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, वैसे दोनों का मतलब एक ही है, पेसमेकर आपका हार्ट बीट इनिशिएट करता है जिसको आपके साइनो ऑरिकुलर नोड भी कहा जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स, तो ये आपका प्रेजेंट होता है ऑप्शन डी हर्डमैनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन दिया हुआ है, असर्शन में है इन सर्टेन रेस्पेक्ट्स रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ हर्डमैनिया रिसेम्बल्स प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ रॉक, और रीजन में है इन बोथ केसेस टेल डिसअपियर्स गट अंडरगोस चेंजेस एंड गोनाड्स अपियर। तो यहाँ असर्शन में एक स्टेटमेंट है जो ये कहता है कि बहुत सारे केसेस में जो आपका रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है हर्डमैनिया का वो फ्रॉग के प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस से रिसेंबल करता है, यानी मैच करता है। और रीज़न दिया है कि दोनों केसेस में आपके टेल डिसअपियर हो जाता है, गट में इनके चेंजेस आ जाता है और गोनाड्स अपियर हो जाता है। तो सबसे पहले दो टर्म्स आप यहाँ समझ लीजिए, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो कि हर्डमैनिया में होता है, इसमें आपके डीजेनरेशन होता है, यानी एडवांस्ड से आपके लेस एडवांस्ड की तरफ मेटामॉर्फोसिस होता है।
यानी आपके लार्वल टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे लॉन्ग टेल प्रेजेंट होता है हर्डमानिया के लार्वा में, जो कि डिसअपियर हो जाता है। इनकी कॉडल फिन जो होती है वो छोटी हो जाती है मेटामॉर्फोसिस पर, यानी अडल्ट में जब ये ट्रांसफॉर्म होते हैं। उसके बाद इनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपके ऑसिली ओटोसिस्ट, ठीक है, ये दोनों भी आपके अडल्ट में आते आते डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। वहीं अगर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की बात की जाए, तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस आपका एग्जाम्पल देखा जाता है टैडपोल लार्वा में, जैसा कि आपका फ्रॉग है। इसके केस में आपका लार्वल स्टेज जो है वो कम एडवांस्ड होता है इन कंपैरिजन टू अडल्ट स्टेज, ठीक है। इनमें भी आपके टेल ग्रेजुअली छोटी हो जाती है, हेड इनका और बॉडी इनका साइज में बड़ा हो जाता है, और ये आपके जो गिल मोड होती है इनकी रेस्पिरेशन की, यानी ये वाटर के अंदर रेस्पिरेशन करते हैं, ये आपका धीरे धीरे करके पल्मोनरी रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये लंग्स का भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में दोनों हर्डमानिया और आपके फ्रॉग के कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछा है, यानी यही कि आपका दोनों केसेस में आपके टेल डिसअपियर हो जाता है, गोनैट्स अपियर हो जाता है, इनकी जो गट होती है उनमें चेंजेस आ जाते हैं। आपके टैडपोल लार्वा के केस में ये आपका प्रोग्रेसिव चेंज है, और यही हर्डमानिया के केस में आपका रेट्रोग्रेसिव चेंज है। तो आपके असर्शन और रीजनिंग दोनों करेक्ट है, और असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है आपका रीजनिंग, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया विच सजेस्ट दैट इट बिलोंग्स टू एसिडेसी। तो आपके सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में थ्री क्लासेस हैं, एसिडेसी, थैलिएसी और लार्वेसी, ठीक है, और हर्डमानिया आपका एसिडेसी क्लास का मेंबर है। तो आपके सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, क्योंकि इनमें एक प्रोटेक्टिव लेदरिंग केस या ट्यूनिक प्रेजेंट होता है इनके बॉडी के ऑल अराउंड। यही रीज़न है कि इनको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, और आपका जो हर्डमानिया है जो कि एसिडेसी क्लास का मेंबर है, ये ट्यूनिकेट या ट्यूनिक के प्रेजेंट होने की वजह से इसको एसिडेसी क्लास में रखा गया है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि आपके एसिडेसी क्लास में मेंबर्स जो हैं उसको सी स्क्वेड भी कहते हैं, और इनको राउंड वीड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सक्लूसिवली सेडेंट्री प्रोटोकॉर्डेट एनिमल्स आर फाउंड इन द क्लास। तो आपके क्लास एसिडेसी के जो मेंबर्स हैं वो सेसाइल सॉलिटरी होते हैं, और सेडेंट्री लाइफ इनकी होती है, ये मराइन लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है, यानी ये सिंगल रहते हैं, ग्रुप में नहीं फाउंड होते हैं, सेडेंट्री होते हैं, यानी फिक्स्ड होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, और आपके मराइन होते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एसिडेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स फाउंड इन यूरोकॉर्डेट्स इज सेड टू बी द फोर रनर ऑफ द थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंडोस्टाइल। तो आपका एंडोस्टाइल एक हॉलो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है जो ब्रैंकियल सैक के फ्लोर पे प्रेजेंट होता है। आपका यूरोकॉर्डेट के केस में एंडोस्टाइल, या तो फिर आपके सिफेलोकॉर्डेट के केस में हाइपोफेरेंजियल ग्रूव, ये दोनों आपके होमोलॉगस होते हैं थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स के, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंडोस्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन इन हर्डमानिया टेक्स प्लेस बाय। तो आपके हर्डमानिया में जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है बाय न्यूरल ग्लैंड, जिसमें बहुत सारे एक्सक्रीटरी सेल्स, जिसको नेफ्रोसाइट कहते हैं, वो हेल्प करता है इस एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने में, ठीक है। इसलिए मेन ग्लैंड की बात करें तो वो आपका होगा न्यूरल ग्लैंड, जो सपोर्टेड होता है बाय नेफ्रोसाइट्स, ठीक है। इनमें जो मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं वो होता है ज़ैंथिन एंड यूरेट पार्टिकल्स, जो आपके यूरल ग्लैंड की हेल्प से एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूरल ग्लैंड दैट इज सपोर्टेड बाय नेफ्रोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड ऑफ हर्डमानिया कंटेन्स। तो आपकी हर्डमानिया की जो ब्लड होती है वो स्लाइटली रेडिश कलर की होती है। इनमें आपके कलरलेस अमीबोसाइट ल्यूकोसाइट सेल्स होते हैं, कलर्ड कार्पसेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रोसाइट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो ट्यूनिकेट्स हैं ये आपके सी वाटर से वेनेडियम, जो कि एक बहुत ही रेयर मेटल है, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने ग्रीन ब्लड कार्पसेल्स में इसे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्हीं आपके ग्रीन ब्लड कार्पसल्स को कहा जाता है वेनेडोसाइट्स, जो कि स्टोर करता है वेनेडियम, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वेनेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्डमानिया इज
तो आपका हर्डमैनिया एक हर्मोफ्रोडाइट एनिमल है, यानी ये बाईसेक्सुअल है और इसमें प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। प्रोटोगाइनस कंडीशन होने की वजह से इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब आपका प्रोटोगाइनस कंडीशन क्या है, इनमें जो आपके फीमेल गोनैड्स हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू मेल गोनैड्स। तो इनमें आपके मेल गैमेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, इसलिए ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, बाईसेक्सुअल एंड प्रोटोगाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ एसीडियन स्ट्रक्चर्स इंडिकेटिव ऑफ कॉर्डेट एफिनिटीज आर अबॉर्टेड एक्सेप्ट। यानी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे जो आपके कॉर्डेट से मिलने वाले या कॉर्डेट से सिमिलैरिटी शो करने वाले कैरेक्टर्स हैं वो इनमें अबॉर्ट हो जाते हैं, यानी वो हट जाते हैं या डीजनरेट कर जाते हैं एक्सेप्ट, यानी ऐसा कोई कॉर्डेट कैरेक्टर है जो आपका डीजनरेट नहीं होता। ठीक है, तो आपके जो एसीडियन लार्वा है उसमें सारे बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे आपके रॉड लाइक नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, इनमें एक्सियल स्केलेटन प्रेजेंट होती है, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनके फेरेंजियल वॉल में, तो ये सारे कॉर्डेट कैरेक्टर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो आपके आई और ओटोसिस्ट जो है ये दोनों इन्वर्टिब्रेट के कैरेक्टर्स हैं जो कि आपके रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे लॉस्ट हो जाते हैं, यानी अडल्ट्स में नहीं फाउंड होते हैं, तो ये दोनों आंसर नहीं होना चाहिए। आपका नोटोकॉर्ड जो है वो एक कॉर्डेट कैरेक्टर है, वो भी डीजनरेट कर जाता है, यानी अडल्ट में नहीं फाउंड होता है। और आपका जो एंडोस्टाइल है, एंडोस्टाइल का प्रेजेंट होना आपका एक सिफालोकॉर्डेट का कैरेक्टर है जो अडल्ट में एज इट इज़ रिमेन होता है। तो क्वेश्चन आपका कुछ कन्फ्यूजन में पूछा हुआ है, और अगर इसे बहुत ही करेक्ट तरीके से हम सॉल्व करें तो यहाँ आपके कॉर्डेट कैरेक्टर ना हो करके एक सिफालोकॉर्डेट का कैरेक्टर, लेकिन एक सिफालोकॉर्डेट भी एक कॉर्डेट ही है, इसलिए हम इसका करेक्ट आंसर मानेंगे ऑप्शन सी, एंडोस्टाइल। तो एंडोस्टाइल एक ऐसा कैरेक्टर है जो इनके अडल्ट्स में भी प्रेजेंट होता है और एक ही कॉर्डेट कैरेक्टर है जो कि डिजेनरेट नहीं करता। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडोस्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन इन हर्डमैनिया टेक्स प्लेस बाय। तो यहाँ देखिए सेम वही चीज़ों का जो मैंने डिस्क्राइब किया था वही है कि यहाँ पर ऑप्शन ए और सी इन दोनों को कमीशन ने करेक्ट माना है, बाय नेफ्रोसाइट एंड बाय न्यूरल ग्लैंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। वैसे आपको इस तरह का कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, लेकिन आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है न्यूरल ग्लैंड एंड सेकेंड मोस्ट अप्रोप्रिएट इज नेफ्रोसाइट। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड सी दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हर्डमैनिया विच सजेस्ट दैट इट बिलोंग्स टू एसिडेसी। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ न्यूरल ग्लैंड इन हर्डमैनिया इज इन। तो आपका ये एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होता है, ऑप्शन सी। वेनेडियम इज सपोज टू बी द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन। तो ये आपके हर्डमैनिया में प्रेजेंट होता है जो कि एक्सट्रैक्शन करता है आपके रेयर मेटल वेनेडियम का। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हर्डमैनिया। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हार्ट हैज़ टू पेसमेकर्स। तो ये क्वेश्चन भी हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हर्डमैनिया। इनमें दो पेसमेकर्स प्रेजेंट होते हैं जो हार्ट बीट को इनिशिएट करते हैं, जिसे एसए नोड कहा जाता है हायर वर्टिब्रेट्स के केस में, और लोअर कॉर्डेट्स में ये आपका होता है पेसमेकर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्डमैनिया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कवर किया हर्डमैनिया से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले हमने पूरे एंटायर फाइलम कॉर्डेटा के सारे जनरल कैरेक्टर से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और आज हमने हर्डमैनिया कवर किया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एम्फियोक्सिस। वन बाई वन फाइलम कॉर्डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म सिलेबस में हैं वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।